दिल्ली के शराब घोटाले में आज एक नया मोड़ आया। अरविंद केजरीवाल के दो मंत्रियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आखिर आज ऐसा क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। शराब घोटाले की जांच में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ चले गए, लेकिन तिहाड़ जाने से पहले ईडी के सामने एक ऐसी बात कह दी जिससे आम आदमी पार्टी के दो और बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ गई। आज जब ईडी केजरीवाल को कोर्ट में पेशी के लिए लाई तो उसने आगे के लिए कोई रिमांड नहीं मांगी, लेकिन एक ऐसा दावा जरूर कर दिया जो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के गले की फांस बन सकता है। केजरीवाल के हवाले से ईडी ने कोर्ट में बताया कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। जब ईडी ने ये बात बताई तो केजरीवाल चुप थे और इस बात का खंडन भी नहीं किया। ऐसा पहली बार हुआ जब इस मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम कोर्ट के अंदर लिया गया हो। खास बात ये भी है कि आतिशी ही गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की प्रभारी थी। विजय नायर वही शख्स है जिसे ईडी शराब घोटाले में साउथ ब्लॉक और आम आदमी पार्टी का बिचौलिया बता रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।